ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है केतु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। केतु महाराज नवम्बर की शुरुआत में राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव में आकर बैठ जाएंगे। केतु महाराज का गोचर राहु की तरह ही 18 महीने का होता है। एक लंबा अरसा एक राशि में बिताते हैं, एक भाव में बिताते हैं। पिछले 18 महीनों से आपके तीसरे भाव में बने हुए थे और अब गोचर करके आपके धन स्थान में आकर बैठ जाएंगे, कुटुंब स्थान में आकर बैठ जाएंगे। जहां राहु एक और एक्सपेंशन है, राहु एक और वृद्धि है और राहु कहीं ना कहीं लालच है, वहीं केतु इन सब चीज़ों से एकदम विपरीत है। ऐसा नहीं कि केतु आपको भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं करवा सकते, लेकिन केतु कहीं ना कहीं व्यक्ति को आइसोलेट करते हैं, व्यक्ति को सीमित करते हैं, उसको एनालाइज करने का मौका देते हैं। जब राहु का जिस भाव पर प्रभाव होता है उस चीज़ की वृद्धि बहुत हो जाती है, लेकिन केतु कहीं ना कहीं जिस भी भाव में जाते हैं उसको थोड़ा सा नेगेटिवली प्रभावित करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली केतु जो भी चेंज लाना चाहते हैं वो व्यक्ति के बेटरमेंट के लिए ही होता है। इसलिए केतु को नेगेटिव नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, केतु बदलाव लाते हैं, उन बदलावों को हैंडल करना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। केतु अनकंडीशनल विघ्न कारक है, केतु अनकंडीशनल रोग कारक है। तो जहां पे भी जाते हैं थोड़े से विघ्न उत्पन्न करते हैं। हाँ, कुछ स्थानों में बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते और जहां पे जाते हैं उस स्थान से संबंधित रोग भी लेकर आते हैं। केतु कहीं ना कहीं बदलाव अवश्य दिखाते हैं। अगर आपने केतु के गोचर का लाभ उठाना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि केतु महाराज किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। केतु कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने आप को जानने का मौका देते हैं उस भाव के संबंध में। फॉर एग्जांपल, आपके लिए कुटुंब स्थान में आ रहे हैं, धन स्थान में आ रहे हैं, तो इन चीज़ों के संबंध में आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। केतु जहाँ मोक्ष के कारक तो है ही, लेकिन मोक्ष को डिफाइन करना बहुत एक मुश्किल चीज है। केतु को सीधा हम बोल दें कि मोक्ष के कारक है। क्या होता है मोक्ष? हमें किताबी शब्द पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि मोक्ष ये है, मोक्ष वो है, लेकिन मोक्ष को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं डेफिनेशन मोक्ष की अलग होती है। लेकिन केतु बंधनों से आपको दूर करते हैं। कैसे? कि किसी ना किसी चीज का अंत अवश्य होता है किसी नई साइकिल के स्टार्ट के लिए। तो जहां पर अंत होता है वहीं से आरंभ होता है, इसलिए केतु को मोक्ष कारक कहा जाता है, क्योंकि कई चीजों का वो अंत करते हैं और आपको एक नई शुरुआत करने का अवसर भी अवश्य प्रदान करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि केतु विघ्न कारक है, तो अगर आपने केतु के कारण आ रहे बदलावों को समझा तो केतु एक तरफ झंडा भी दर्शाते हैं, एक कारकत्व उनका झंडा भी है, तो आपके नाम का झंडा भी बुलंद हो सकता है। लेकिन अगर केतु को नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं केतु कांटे की तरह चुभ भी सकते हैं, क्योंकि केतु कांटा भी डिनोट करते हैं। जब सर्जरी की बात करते हैं तो केतु को कहीं ना कहीं देखा जाता है। जहां पे भी बारीकियां आ गई वहां पे केतु आ गए। जहां पे भी कहीं ना कहीं व्यक्ति रिसर्च करता है वहां पे केतु आ गए। जहां पे भी व्यक्ति किसी एक टॉपिक में डूब जाता है वहां केतु आ गए। आज के टाइम में अगर हम कोडिंग की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, रिसर्च की बात करें, कई ऐसी चीजें हैं जो केतु के अंडर ही आती हैं, जहां टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और सोशल मीडिया आदि वो राहु के अंडर आता है। वहीं जो इसकी तकनीक होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स हो गए, कोडिंग हो गई, एप्स हो गई, वो कहीं ना कहीं केतु के अंडर आता है। अगर आप में से कोई आईटी सॉफ्टवेयर वगैरह में काम करता है, कोडिंग का काम करता है, तो अधिकतम लोगों के केतु यहाँ पर या फिर यहाँ पर होंगे, क्योंकि केतु इन्हीं सब चीज़ों के कारक होते हैं। तो केतु के कारण क्या क्या बदलाव आपके जीवन में आ सकता है, अच्छा और बुरा, इस राशिफल में डिस्कस करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही इस राशिफल को अवश्य गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, बहुत सिंपल रीजन से, क्योंकि अगर आप लग्न राशि से ऑब्जर्व करेंगे केतु दूसरे घर में ही आ रहे हैं, चंद्र राशि से देखेंगे भी तो दूसरे घर में आ रहे हैं, तो अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ से ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरे हिसाब से लग्न राशि हमेशा सटीकता ज़्यादा देती है। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का, कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा वीडियो के अंत में। शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण का। आपके लिए केतु आपके धन स्थान में, कुटुंब स्थान में दूसरे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे।
जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि केतु विघ्न कारक हैं, केतु कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जिसकी दशा अंतरदशा थोड़ी अच्छी चल रही होगी उसके लिए केतु करियर में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। किस सेंस में? कि आपकी जॉब चेंज हो सकती है या फिर आपको अपने जॉब में ही कोई नया रोल मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा भाव है ये अर्थ त्रिकोण होता है, दो, ये दूसरा भाव, छठा भाव और दसवां स्थान, ये अर्थ त्रिकोण होते हैं और कहीं ना कहीं करियर के लिए, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसी भी भाव से जो उनके त्रिकोण स्थान होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो करियर की जब हम बात करते हैं तो ये उनके त्रिकोण स्थान बन जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन तीन भावों का कुछ ना कुछ कनेक्शन आपस में रहता ही है। तो केतु का यहाँ पे आना आपको जॉब चेंज करने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, रोल चेंज करने के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी दे सकते हैं। स्पेशली जो लोग आईटी सॉफ्टवेयर, एप्स, कोडिंग, रिसर्च, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए तो केतु बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, अगर आपकी दशांतरदशा थोड़ी नॉर्मल भी है तो। प्रॉब्लम्स उनके लिए आएंगी जिनकी इस समय दशांतरदशा थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए जॉब जाने का भी डर बन सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा, केतु ब्रेक भी दिखाते हैं, हम मोक्ष की बात करते हैं, कहीं ना कहीं केतु मोक्ष के साथ एक ब्रेक भी दिखाते हैं। अचानक से व्यक्ति के जीवन में ठहराव आ जाता है, लेकिन ये ठहराव वो होता है जो व्यक्ति को पसंद नहीं होता। एक तो ठहराव हमें तब अच्छा लगता है कि हाँ बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, हम बहुत बिजी हैं, तब कोई दो दिन ऐसा मिल जाए कि जहाँ पे व्यक्ति आराम से अपना जीवन का आनंद ले ले, तो वो ठहराव बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वैसे भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा और अचानक से जॉब चलेगी तो वो ठहराव किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जिसकी दशा अंतरदशा नहीं अच्छी चल रही, उनकी जॉब जाने की संभावना थोड़ी सी बन सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जिनकी थोड़ी दशा अंतरदशा ठीक है उनको जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। शास्त्र कहते हैं कि दूसरे भाव के जो केतु हैं वो राजा से दुख दिलवाते हैं, यानी कि राजा से नुकसान होता है। अब राजा को हम आज के टाइम में थोड़ा सा अगर देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो एक तो बना आपकी जो गवर्नमेंट है, तो सरकार से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका कुछ ऐसा काम है कि जिसमें सरकारी लेन देन बहुत होता है, सरकारी इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ टैक्स आदि के आपके इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जीएसटी की प्रॉब्लम, जो अपना बिजनेस करते हैं उनको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके साथ ही अगर कुछ भी आपका लेन देन अपने गवर्नमेंट से बहुत होता है, आपके कार्य से संबंध में, बिजनेस से संबंध में, उसमें अड़चनें आना शुरू हो जाएंगी। ऑलरेडी कोई केस चल रहा था गवर्नमेंट से, कोई नोटिस आए हुए थे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके बॉसेस थोड़ा सा आपको तंग करना शुरू कर देंगे, जानबूझकर आपकी काम में नुक्स निकाले जाएंगे, जानबूझकर आप पर प्रेशर डाला जाएगा। क्योंकि केतु यहाँ से बैठकर दसवें भाव पर भी प्रभाव डालेंगे, छठे पर भी डालेंगे, यानी कि कंपटीशन भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में दुश्मनी भी बढ़ेगी और जो आपके बॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं आपको तंग करना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा अगर डिप्लोमेटिक रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों के लिए, यानी कि लियो वालों के लिए, डिप्लोमेटिक होना बहुत मुश्किल होता है। ये स्ट्रेट टू द फेस होते हैं, कभी कभी वो काम भी कर जाता है, लेकिन कभी कभी देखिए जब समय की बात होती है, जब समय अच्छा चल रहा होता है आप कुछ भी कर देना वो बन जाती है बात, जब समय अच्छा नहीं चलता तो जो मजाक भी व्यक्ति करता है ना वो भी लोगों को बुरा लगने लग जाता है। तो ये वो समय है जब आपको इंडिकेशंस मिल रहे हो कि हाँ थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है ऑफिस में माहौल, तो बॉसेस के साथ थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आप चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ये जो दूसरा भाव है, ये जो बच्चे 10th या 12th से नीचे की स्टडीज करते हैं उनके लिए भी देखा जाता है, तो उनके भी यहाँ पे ब्रेक इन स्टडीज के योग बन जाते हैं। अगर बच्चे की कुंडली में बुध अच्छा नहीं है, चंद्रमा अच्छा नहीं है, चौथे पंचम भाव के स्वामी अस्त है या वक्री है, तो ब्रेक इन स्टडीज के योग भी यहाँ पर बन सकते हैं। एग्जाम्स आ रहे हैं तो अगर बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं है, सिंह लग्न सिंह राशि है, तो उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आ सकती है। इसके साथ ही कुछ बच्चे अपनी स्ट्रीम को चेंज करने का भी प्रयास करेंगे, हो सकता है पहले किसी और स्ट्रीम में हो, यहाँ पर आकर वो किसी और स्ट्रीम में अचानक से बदलाव लाने का प्रयास भी करेंगे। तो अपने बच्चों को समझाइएगा, उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा, आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो थोपा मत कीजिए उन पर चीज़ें, थोड़ा सा उनको काउंसिल किया कीजिए। यहाँ पर दिख रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो सिंह लग्न सिंह राशि वाले हैं, बच्चे हैं, वो अपना स्ट्रीम बदलने का प्रयास यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो दूसरा भाव है ये वाणी का स्थान होता है। अब केतु की प्रॉब्लम ये होती है कि वो जब दूसरे घर में आते हैं तो वाणी को बहुत तीखी कर देते हैं,
ज्योतिष में कुछ सूत्र होते हैं जैसे केतु वद मंगल, यानी कि केतु कहीं कहीं पे मंगल जैसा प्रभाव देता है, तो यहाँ पे दूसरे भाव में केतु मंगल जैसा प्रभाव देते हैं, यानी कि आपकी वाणी बहुत तीखी हो जाएगी, आपकी वाणी लोगों को चुभेगी। और मेरे हिसाब से कभी भी चुभने वाली वाली वाणी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो लोगों को हर्ट करे वो भले ही मोमेंटरली आपको खुश कर दे कि हाँ मैंने उसको नीचा दिखा दिया, लेकिन बाद में आपको भी गिल्ट होगा और कहीं ना कहीं वो लौट के भी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर अपनी वाणी को ना थोड़ा सा नियंत्रित करके रखिएगा। जैसे मैंने कहा ऑलरेडी ये लोग थोड़े से स्ट्रेट टू द फेस होते हैं, एकदम जैसा होता है बोल देते हैं, अपना जिसको कहते हैं ना कि वो एकदम जो मन में आए सीधा बोल दिया विदाउट एनी फिल्टर्स, वैसा व्यक्तित्व होता है इनका, क्योंकि रॉयल राशि है। कभी कभी अपने से नीचे अपने से ऊपर किसी को भी नहीं समझते, यही समझते कि हाँ मैं सबसे ऊपर हूँ, सुपीरियर हूँ। ठीक है, अधिकतम जो सिंह वाले होते हैं उनके अंदर वो व्यक्तित्व भी होता है, क्वालिटीज़ भी होती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा केतु दूसरे घर में आ रहे हैं तो वाणी पर आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वाणी के कारण शत्रु बढ़ेंगे, वाणी के कारण प्रॉब्लम्स होंगी, वाणी तीखी होगी, और इस तीखी वाणी के कारण आपके हर क्षेत्र में, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, उसमें प्रॉब्लम्स आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा ये कुटुंब भाव है। अब केतु का कुटुंब भाव में आना भी बहुत अच्छा नहीं होता। कुटुंब स्थान होता है जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, आप जिस घर में रहते हैं, ओवरऑल फैमिली 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 हैप्पीनेस यहाँ से भी देखते हैं चौथे घर से, लेकिन कुटुंब की जब आप बात करते हैं तो इमीडिएट फैमिली की, आपके माँ बाप, आपके पति पत्नी बच्चे, ये कुटुंब में आते हैं सीधा, कि आपकी इमीडिएट फैमिली क्या है। अब केतु का यहाँ पे आना सबसे पहले दर्शाता है कि कुटुंब में बीमारी आएगी। केतु रोग कारक है, यानी कि घर में किसी को कोई बीमारी लग सकती है, कोई हेल्थ इशू हो सकते हैं। इसके साथ ही घर में धन बहुत खर्च होना शुरू हो जाएगा। केतु कहीं ना कहीं धन संचय पर रोक लगाते हैं, तो जब कुटुंब स्थान में आ रहे हैं तो आपका धन भी ज़्यादा खर्च होना शुरू हो जाएगा, आपके घर में भी जो संचित धन है, सेविंग्स है, उस पर एक नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है। इसके साथ ही जब कुटुंब में केतु आते हैं तो व्यक्ति का अपने कुटुंब से मन उठ जाता है। एक कुटुंब ही ऐसा होता है, यानी कि हमारी इमीडिएट फैमिली ही ऐसी होती है जो हमेशा हमें अनकंडीशनली सपोर्ट करती है, हम अच्छा भी करें, यूजली कुछ केसेस में नहीं होता, लेकिन यूजली एक जो हमारी इमीडिएट फैमिली होती है वो हमें हमेशा अनकंडीशनली सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर जब केतु आते हैं तो चीज़ें विपरीत होना शुरू हो जाती हैं, आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपको जज करना शुरू कर देगी, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको कम मिलेगा। और अभी देखिए केतु का जो पीरियड होता है 18 महीने का होता है, तो धीरे धीरे करके ना आप इमोशनल लेवल पर अपनी फैमिली से या फैमिली के कुछ सदस्यों से डिटैच होना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध वो काम करना शुरू कर देंगे, और जब हमारी एक्सपेक्टेशन हर्ट होती हैं तो हमें सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करनी नहीं चाहिए किसी से भी। हमारी प्रॉब्लम्स ये होती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं फिर हमें हर्ट होता है। तो यहाँ पे आपको आपके कुटुंब से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कुटुंब में बैर आ सकता है, घर वालों से दूर जाने का मन करेगा। देखिए कई कई लोगों के साथ ऐसा होगा, सिंह वालों के साथ आने वाले 2-3 महीनों में आपका घर छोड़कर भागने का मन करेगा, क्यों मैं इनके साथ रह रहा हूँ, मन करेगा कि कहीं और जाके रहना शुरू कर दे, तो कुटुंब से बैर होना शुरू कर देता हो जाता है, और कुटुंब में थोड़ी बीमारियां भी आने शुरू हो जाती है। स्पेशली अगर आपके घर में कोई महिला वृद्ध सदस्य है तो उनका ध्यान ज़्यादा यहाँ पे रखिएगा, उनके लिए ये जो गोचर है वो बहुत शुभ नहीं होता। देखिए जो दूसरा भाव है वो सप्तम से अष्टम है, तो सप्तम भाव जो है वो बिजनेस का होता है, और किसी भी भाव से अष्टम उसकी कंटिन्यूटी दिखाता है। तो यहाँ पर जो बिजनेस करते हैं उनको अपने बिजनेस में बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे। ऑलरेडी आपको इंडिकेशन आना शुरू हो गए होंगे कि भैया बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो चेंजेस तो अनिवार्य है। अगर केतु के यहाँ पे आने के कारण भी, आने के बाद भी आप अपने बिजनेस में कुछ भी बदलाव नहीं ला पाए तो आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। तो बिजनेस जो करते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेकिन अब ये भाव जो सप्तम है ये मैरिड लाइफ का भी होता है। दो ऐसे लग्न हैं कर्क और सिंह, इनकी मैरिड लाइफ 80 out of 100 या 85 out of 100 अच्छी नहीं होती। कारण यही है कि सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं। आप कुंडली में अगर चीज़ें बदल गई तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाती, लेकिन अधिकतम कर्क और सिंह की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर जब केतु सप्तम से अष्टम में आएंगे, यानी कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। एक तो आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत अचानक से बिगड़ेगी, दूसरा अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी मैरिड लाइफ में तो डाइवोर्स तक बात यहाँ पर पहुँच सकती है। क्यों? क्योंकि सप्तम से अष्टम में केतु हैं जो एक ब्रेक दिखा सकते हैं, यानी कि
शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, हो सकता है डिस्टेंस भी हो जाए, यानी कि आपको अपने पति या पत्नी से दूर रहने का भी एक कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाए कि आपको अपने पति या पत्नी से दूर रहना पड़े। तो ये मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट केतु का यहाँ पर आ सकता है। देखिए केतु, जैसा मैंने कहा था ना कि केतु, अगर आपने केतु के बदलाव को समझा तो वो कहीं ना कहीं आपको आपके नाम का झंडा बुलंद कर सकते हैं, अगर नहीं समझा तो वो कांटे की तरह चुभेंगे। अब केतु ना मौन करते हैं व्यक्ति को, थोड़ा कम बोलने पर मजबूर करते हैं। तो अगर आपने आने वाले 1.5 साल अपने आप को थोड़ा, अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करना शुरू कर दिया, थोड़ा कम बोलना शुरू कर दिया और जानना शुरू कर दिया किस बारे में, अपने अर्थ के बारे में, अर्थ त्रिकोण है यानी कि पैसे के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, और चीज़ों को एनालाइज करना शुरू कर दिया, तो ये जो केतु हैं आपको अर्थ भी, उसमें भी आपकी वृद्धि करेंगे, धन में भी, पैसे में भी, करियर में भी, और कुटुंब में आ रही प्रॉब्लम्स में भी वृद्धि करेंगे। लेकिन अगर आपने इंडिकेशंस को नहीं समझा कि एकदम बोल रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो ये केतु कांटे की तरह चुभेंगे। अगर आप आने वाले 1.5 साल रिएक्टिव कम रहे तो प्रॉब्लम्स बहुत कम होंगी, लेकिन रिएक्टिव अगर ज़्यादा रहे, अधिकतम हमारे जीवन में आप देखेंगे ना कि हमारी जो मेन प्रॉब्लम्स होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, वो इसलिए होती है कि हम रिएक्ट गलत तरह से करते हैं। एकदम कुछ नेगेटिव हुआ, हमने रिएक्ट कर दिया, वो प्रॉब्लम बढ़ती ही रहती है। मैं मानता हूँ कि कहना आसान होता है, लेकिन हमसे भी ये गलतियाँ हुई हैं, सभी से गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि रिएक्टिव कम रहना है और पहले चीज़ों को समझना है। केतु इमर्स करते हैं, केतु व्यक्ति को अपने आप में डूबने में मजबूर करते हैं, और वहां से व्यक्ति फिर वो केतु के द्वारा कुछ नया सीखता है और अपने जीवन को उस हिसाब से ढालता है। केतु कहीं ना कहीं ग्रेस भी है, यानी कि जो ग्रेस होता है व्यक्ति के अंदर। तो अगर आपने अपनी वाणी को मॉडिफाई किया, तभी मैंने शुरू में ही कहा था कि केतु बदलाव लाते हैं, केतु बारीकियां हैं, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, अपनी वाणी पर काम करना शुरू कर दीजिए। किस तरह से आप चीज़ों को बोलते हैं, किस तरह से आप अपनी बातों को रखते हैं, हर बात को रखने के अच्छे तरीके भी होते हैं। अगर आपको किसी को कुछ बोलना है, उसको, उसके लिए कुछ नेगेटिव है, तो उसको एक इस तरह से भी बोल सकते हैं कि उसको हर्ट ना हो। यही केतु आपके लिए बदलाव इंडिकेट कर रहे हैं कि अपनी वाणी पर काम कीजिए, अपने अर्थ पर, अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव लाइए। अगर ये बदलाव ले आए तो यकीन मानिए ये केतु आपके जीवन में एक पूर्णता लेकर आएंगे, यानी कि आपके जीवन में एक टोटैलिटी लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप केतु के चीज़ों को नहीं समझ पाए, केतु के बदलाव को नहीं समझ पाए, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। केतु कहीं ना कहीं बंधन से मुक्त करता है, केतु तभी मोक्ष के कारक है। लेकिन केतु की जब भी बात करते हैं तो राहु को भी हमें देखना पड़ता है। तो राहु यहाँ पे होंगे और राहु केतु का ये प्रभाव ऐसा होता है 180 डिग्री पर, तो किसी ना किसी पुरानी चीज़ों का अंत हो सकता है, लेकिन कुटुंब में एक बंधन सा लगने लगेगा। जैसे मैंने बात करी कि आपका कुटुंब से भागने का मन करेगा, आपको अपना जो रिलेशन्स हैं अपने फैमिली मेंबर से, इमीडिएट फैमिली मेंबर से, वो बंधन की तरह लगने लगेंगे। आपको लगेगा कि ये चीज़ें आपको बांधती है। तभी मैं कह रहा हूँ कि कई लोगों का ऑलरेडी शायद वो स्टार्ट हो भी चुका हो और आने वाले टाइम में भी होगा कि वो घर से एकदम दूर भागना चाहेंगे। और अगर ऐसा मौका मिलता है तो मैं कहूँगा चले जाइएगा, अगर जॉब अपॉर्चुनिटी कोई आती है, क्योंकि अच्छा होगा कि आप ये समय एटलीस्ट 1.5 साल अपने घर से थोड़ा दूर बिताएं, ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है वो ना आए। वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर होगा अगर हम चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ और इग्नोर करना स्टार्ट कर दें, कई चीज़ों को थोड़ा सा उन उलझनों में, उन आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाता है। तभी मैंने कहा कि रिएक्टिव जितना कम रहेंगे उतना आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। थोड़ा सा स्पष्ट भी बोलिएगा। देखिए केतु धुएँ के कारक हैं, केतु की जब बात करते हैं तो धुआँ डिनोट करते हैं। तो केतु जब दूसरे घर में आते हैं तो व्यक्ति की वाणी बहुत अस्पष्ट हो जाती है कभी कभी, और उसके कारण भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ये कुटुंब का भाव है और केतु और राहु दोनों ही तंत्र के कारक हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके दुश्मन हैं, कभी कभी ना यूजली यही होता है कि आपके जो दुश्मन होते हैं ना सबसे बड़े, वो आपके निकटतम लोग ही होते हैं। ध्यान रखिएगा आने वाले 1.5 साल में कि आपके कुटुंब पर कोई तंत्र प्रयोग हो सकता है। तो एक, ज़्यादा बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट घर में मत आने दीजिएगा। कुछ चीज़ें होती हैं उनका ध्यान रखिएगा कि किसी के हाथ का ज़्यादा कुछ खाना नहीं खाना, किसी के ज़्यादा गिफ्ट नहीं लेने, कई ऐसी चीज़ें होती हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई लोग कुटुंब पर ही प्रहार करने का, कई तंत्र में क्रियाएँ होती हैं, उच्चाटन होती है, मारण होती है, सम्मोहन होती है, अभिचार कर्म जिनको कहते हैं, जो नहीं करने चाहिए। लेकिन समय ही ऐसा है कि लोग अपनों को ही नहीं छोड़ते, पराओं की तो बात ही क्या। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर भी आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है।
कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेंबर्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आप उनको समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये प्रभाव हो सकते हैं केतु, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कारक बन जाते हैं। तो केतु का क्योंकि अष्टम भाव पर प्रभाव है, राहु तो यहाँ पे ऑलरेडी है, जो इंडिकेट करता है कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। तो केतु का यहाँ पे प्रभाव भी बताता है कि कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। केतु की दृष्टियाँ होती हैं या नहीं होती, ये एक ज्योतिष में थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। कई शास्त्र या अधिकतम शास्त्र ये तो मानते हैं कि केतु अपने त्रिकोण भाव पर प्रभाव डालते हैं, अभी जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से पंचम नवम पर प्रभाव डालते हैं। मेरा मानना है कि हाँ, केतु की, राहु की, बृहस्पति जैसी दृष्टि होती है, जो कई शास्त्र इससे सहमति रखते हैं। तो केतु की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ेगी छठे भाव पर। अब ये सबसे पहले इंडिकेट कर रहा है कोई लीगल केस अगर आपका चल रहा है तो वो खत्म हो सकता है या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि केतु लीगल केसेस में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। मैंने कहा ना, कई कई जगह पे वो मंगल जैसा प्रभाव देते हैं। वैसे मंगल से पूरा व्यक्तित्व अलग है, लेकिन ये जो सूत्र है ज्योतिष का, जो लोग बहुत ल्यूसिडली यूज़ कर देते हैं, वो समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो छठे भाव में जब केतु प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति के जो कोर्ट केसेज आदि हैं, कुछ लीगल केसेस हैं, कुछ वाद विवाद चल रहे थे, तो वो दूर हो सकते हैं। दूसरा, बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे कार्यक्षेत्र में। तो मैंने कहा ना, जिनकी दशांतर दशा अच्छी है उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, जिनकी दशांतर दशा अच्छी नहीं है थोड़ा सा ब्रेक इन जॉब आ सकता है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में आपको आगे बढ़ने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन केतु रोग कारक है, छठे भाव पर उनका प्रभाव कहीं ना कहीं रोग की वृद्धि ला सकता है, रोग के बारे में बात करेंगे। केतु की जो सातवीं दृष्टि है वो आठवें भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव गुप्त भाव है, अष्टम भाव गुप्त क्रियाओं का, अष्टम भाव आपकी सेक्सुअलिटी का, आपके आपको सेक्सुअली की चीज़ें कैसी लगती हैं। इसके साथ ही केतु कहीं ना कहीं तंत्र के कारक हैं, केतु कहीं ना कहीं विद्याओं के भी कारक हैं, और अष्टम भाव इन सब चीज़ों को डिनोट करता है, जो भी मैंने चीज़ें कही कि वो आपकी सेक्सुअलिटी हो, सेक्सुअल लाइकिंग्स हो, तंत्र हो, मोक्ष हो, जो भी ये सब कुछ है वो अष्टम भाव से ही होता है। तो केतु का यहाँ पे आना इन सब चीज़ों को प्रभावित करना बताता है कि एक नया अध्याय इन सब में भी शुरू होगा, कुछ नया शास्त्र सीखने को मिलेगा, कोई नई विद्या सीखने का आपको अवसर मिलेगा, और अपने आप को जानने का भी आपको अवसर एक प्राप्त हो सकता है केतु के अष्टम भाव पे प्रभाव के कारण। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अष्टम भाव पे केतु का प्रभाव इंटीमेसी में प्रॉब्लम लाता है, यानी कि जो लोग मैरिड हैं उनके बीच में इंटीमेसी की प्रॉब्लम रहेगी, जो फिजिकल इंटीमेसी पति और पत्नी के बीच में होती है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये जो भाव है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बीज स्थान भी कहा जाता है। तो जो कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे थे पति पत्नी, अगर नहीं हो रही कंसीविंग इस टाइम पर, तो हो सकता है कोई फर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हो। तो अगर नेचुरल कंसीविंग नहीं हो रही है, डेढ़ साल का पीरियड है, अगर नहीं होता बार बार ट्राई करने पे भी, तो एक बार डॉक्टर्स की सलाह लीजिएगा, हो सकता है कोई फर्टिलिटी का इशू ही पति या पत्नी के बीच में किसी में आ गया हो, तो उसकी जांच करवा लीजिएगा। केतु की जो नवी दृष्टि है वो पड़ेगी दसवें भाव पर। ये पुनः मैं वही कहूँगा कि आईटी सॉफ्टवेयर, कोडिंग, रिसर्च, कंप्यूटर, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, एप्स, सॉफ्टवेयर, इनसे जुड़ा कुछ भी आप काम करते हैं तो आपको लाभ होगा। लेकिन केतु बदलाव लाते हैं, दिखाते हैं, तो अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये बहुत ड्रास्टिकली चेंज होती हैं, आज से एक साल बाद पहले जो इन सब में चल रहा था अब एकदम बदल जाता है। इसलिए जो लोग ये आईटी सॉफ्टवेयर में होते हैं इनको हमेशा तैयार रहना पड़ता है, वही लोग इन फील्ड में आगे बढ़ते हैं जो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, उनके पैकेजेस फिर कई गुना बढ़ते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते वो कहीं ना कहीं फिर एक ही जगह पर रहते हैं। तो केतु का प्रभाव, देखिए ज्योतिष में हम बता सकते हैं कि आप क्या करें, बाकी तो आपके कर्मों के ऊपर है। तो अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने आप में बदलाव लाइए, आपको अच्छा प्रभाव अवश्य मिलेगा। केतु, जैसे मैंने स्टडीज़ की बात करी, जो छोटे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम लाएंगे 10th या 12th से पहले के, लेकिन केतु का यहाँ पे प्रभाव कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले टाइम में पढ़ने वाला है, स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, आईटी फील्ड से हैं, आपके एग्जाम्स हैं कोई, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर आ सकता है। तो ये सारे रिजल्ट मेरे हिसाब से केतु के कारण आपको प्राप्त हो सकते हैं। रोग की बात करूँ तो केतु दूसरे घर में आते ही आपको आँखों की प्रॉब्लम देने वाले हैं, दांतों की प्रॉब्लम देने वाले हैं, खाने से संबंधित प्रॉब्लम बहुत होगी। अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा।
अगर स्पेशली आपकी एज इस टाइम पे अराउंड 35 प्लस हो चुकी है तो अपने खाने पीने में बदलाव लाना पड़ेगा, जो खाना आपको सूट करता है ठीक है, जो पसंद आता है खाना वो तो कभी कभी खा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको अपने खाने पीने में बहुत बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि केतु जब दूसरे घर में आते हैं तो मेटाबॉलिक चेंज लाते हैं, यानी कि व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म थोड़ा बदलता है, फिर उसको वही चीज़ें खानी चाहिए जो उसके प्रकृति के अनुसार हो। वात पित्त कफ, ये तीन प्रकृतियां हैं आयुर्वेद में, और अधिकतम जो लोग होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, तो जो भी चीज़ आपको सूट करती है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि खाने पीने के कारण बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। केतु का छठे पे भी प्रभाव है तो डायबिटीज डायग्नोज हो सकती है और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको बहुत रहेगी। इसके साथ ही आपको इन्फेक्शंस बहुत होंगे, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स तंग कर सकती है, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, गायनी प्रॉब्लम महिलाओं में बहुत तंग करेगी उनको, और इसके साथ ही आपको लोअर बैक में दर्द रहेगा, सियाटिका की प्रॉब्लम तंग करेगी और हड्डियों से संबंधित कई दिक्कतें आपको आ सकती हैं, तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की बात करते हैं, केतु महाराज का जो गोचर है थोड़ा विस्तृत होता है, लंबे अरसे का होता है, तो इनके उपाय भी थोड़े बड़े होते हैं। पहला उपाय आपको 3 बुधवार करना है, गणपति जी के मंदिर जाकर उनका दूध से अभिषेक करना है और उनको 2 प्रकार की मिठाई और 2 प्रकार के फलों का भोग लगाना है। जो मंदिर नहीं जा सकते घर में कर सकते हैं, जो विदेश में है वो केवल स्मरण कीजिए और गणेश जी के इस मंत्र यानी कि ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप भी आपको ये सब करने के बाद करना है। जो यहाँ पे रहते हैं इंडिया में वो भोग लगाकर ये मंत्र कीजिए, जो विदेश में रहते नहीं जा सकते मंदिर आदि वो केवल मंत्र का जाप कीजिएगा 108 बार, ये आपको 3 बुधवार करना है। दूसरा उपाय, आपको 3 बुधवार किसी भी वृद्धाश्रम में कुछ भी दान करना है, अगर वृद्धाश्रम नहीं है तो गौशाला तो आसपास कहीं मिल ही जाती है तो वहाँ पे दान कीजिएगा। इसके साथ ही आपको 3 शुक्रवार दुर्गा माता के मंदिर में 1-1 नारियल अर्पण करना है। ये उपाय आप कर लेंगे आपके लिए ये जो राहु जो केतु महाराज का गोचर है वो उसकी सकारात्मकता में वृद्धि होगी, नकारात्मकता में कमी आएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।